अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट में मैंने आप लोगों के से शेयर किए हैं कितने प्यारे प्यारे DIYs जो घर में बेकार सी चेयर्स होती हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, टूट जाती हैं। तो आज मैंने भी सोचा चले मैं भी इसका कोई DIY बनाती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर जो हैं मेरे गार्डन में जो हैं ब्लूमिंग कर रहे हैं, तो इनको कुछ ऐसा डेकोरेट करते हैं कि जो है ये चेयर भी बहुत प्यारी लगे, किसी काम में आ जाए और हमारे फ्लावर जो हैं वो बहुत प्यारे प्यारे से जो हैं लगें। और कुछ आइडिया ये है कि ये देखिए हैंगिंग बोटल्स, इनको मैं जो है यहाँ पे हैंग करूँगी क्योंकि इस जैसी बहुत ज़्यादा बोटल्स जो हैं वो मेरे पास हैं और मुझे छाया वाली जगह पर रखनी है और अब मुझे कुछ ऐसा जो है जगह नहीं मिल रही। काफ़ी मैंने हैंग कर दी हैं, नेट के नीचे रखनी है। इस तरफ भी ये देखिए मैंने इसी तरह हैंग कर दी हैं। तो मैंने सोचा चलें कुछ एक दो जो हैं इस पर हैंग करते हैं, कुछ यहाँ पर जो है कुछ ऐसा इसको डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा आप लोगों को ये चेयर दिखा दूँ, बिल्कुल सिंपल सादा सी थी। तो इसको अब क्या बनाते हैं। फ्लावर तो पहले ही मेरे गार्डन में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं। कुछ भी जो है इसी तरह पॉट उठा के, जैसे ये बोरे में फ्लावर लगे हुए हैं, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे डिफरेंट सा, जिससे जो है हमारा चेयर गार्डन जो है बहुत प्यारा सा बन जाए। तो चले कुछ ना कुछ अब मैं करती हूँ और फिर एंड पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसा बना लिया, क्योंकि बनाते वक्त मैं नहीं दिखा सकती। कुछ आइडियाज़ अब लेते हैं और फिर बना के और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दिखाना बस यही था कि स्टार्ट में सिर्फ आप लोगों को दिखा दूं कि कैसे मेरी चेयर थी, सिंपल सी सादा सी, और फ्लावर जो है मेरे गार्डन में पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे ही मिला के कुछ बनाते हैं। कुछ फ्लावर लेंगे, कुछ सिंपल प्लांट ले लेंगे। तो चले ये आइडिया बस अब देखते हैं। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं आपको मेरे चैनल पर मिल सकते हैं। जैसे ये है हैंगिंग प्लांटर का एक आइडिया है, तो इसमें मैंने ये देखें शॉपर भर के तो मैंने इसमें मिट्टी लगाई है, प्लांट इसमें रख दिया है, इसको अच्छी जो है सॉइल मिलती रहेगी और न्यूट्रिशन वगैरह मिलते रहेंगे और जब दिल चाहेगा तो मैं इसको निकाल के कोई और प्लांट रख दूँगी। तो बस ये इस तरह के आइडियाज़ जो हैं मैं बस खुद भी करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जैसे कि ये है इसी तरह, ये देखिए मेरा एक पॉट जो था टूट गया था, बस मैंने इसको भी एक फेरी गार्डन बनाना है, बहुत ही प्यारा सा। बस कुछ टाइम नहीं मिल पाता गार्डनिंग में, हम फरवरी में तो हम बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं। नेक्स्ट जो है नए सीड भी लगाने हैं, कुछ फेरीज भी तैयार करनी है। मुझे फेरी तैयार करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो है ऐसे छोटे छोटे प्लांटर लगा के। तो ये ही जो है ये देखिए इस तरह का कुछ ना कुछ तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बना के तो फिर अपनी चेयर का जो है क्या व्यू आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए मैं इसे तैयार कर चुकी हूँ। प्रीमुला और कैलेंजोई 10 वीक स्टॉक जो हैं, ये वैसे फुल धूप वाला प्लांट है लेकिन ये जो हैं शेड वाले प्लांट हैं। और कुछ ऐसा मैंने बस डेकोरेट कर दिया क्योंकि मैंने चेंज करती रहूँगी, जिसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी वो रख दिया करूँगी और एक नया DIY तैयार किया मैंने। बस ऐसे फिर हमें DIY तैयार करने होते हैं, अच्छे लगते हैं। जैसे कि ये मेरा तैयार हो रहा है, ये देखें चिड़िया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी। बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, अब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। और चले अगर आपको मेरी ये DIY अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत करती हूँ मैं अपने इन प्लांट्स के साथ अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए और फिर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये देखिए कितनी प्यारी सी बॉल बनी हुई है।